आज का एपिसोड एक्चुअली बहुत ज़्यादा फन एपिसोड है और कैप्टन स्वॉप एपिसोड था, मतलब जो मेरे टीम के बच्चे थे वो किसी दूसरे के टीम में गए थे कैप्टन से, तो बहुत मज़ा एक्चुअली बहुत मज़ेदार एपिसोड था। अब तक जितने भी एपिसोड शूट थे मुझे ये वाला एपिसोड से बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, तो आप सब लोग भी ज़रूर देखना, आपको भी डेफिनेटली मज़ा आएगा। अच्छा नेहा मैम का बर्थडे भी है तो उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं? अभी नेहा मैम का बर्थडे है, मुझे पता नहीं, शायद उसके लिए सरप्राइज है। अभी मैं एपिसोड उसमें नेहा मैम तो डेफिनेटली हम सब की बहुत ज़्यादा स्पेशल है और हमेशा हम सबसे अच्छा बिहेव करती है, उतनी अच्छी है वो तो, और उनके लिए उनकी फैमिली भी उतनी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद सब लोग उनकी फैमिली आई हुई है, पता नहीं मुझे उनको ये बताना नहीं है, बट ये सभी फैमिली आई हुई है इसको कि मैं ना गरम हो तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं हम सब, बंद हो जाए देखो। हाँ जी, हाँ जी, कैप्टन ऑफ द वीक, यस, लास्ट हफ्ते मुझे कैप्टन ऑफ द वीक मिला था, तो बस वही है कि इस हफ्ते वो पहन के रहते हैं, जो नेक्स्ट जिसको मिलेगा वो नेक्स्ट पहनेगा कैप्टन ऑफ द वीक का ये फैश। अच्छा नेहा कक्कर की सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है क्या लगती है? ये बेस्ट अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग। अच्छा ऑफकोर्स, नेहा मैम की सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे उनका नेचर लगता है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो उनसे बड़ा उनसे छोटा सबको प्यार से और इक्वली रिस्पेक्ट से बात करती है और सबसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, तो ये मुझे बहुत उनकी क्वालिटी। थैंक यू। एक मिनट वेट कर, थोड़ा विजुअल के लिए कैमरा ही ऑन रुक गया। बुला बुला, ओके डन। थैंक यू। ये देख फोन गरम हो रहा है, अभी बंद। बस इधर ही सही है, थोड़ा पीछे पीछे नहीं है, साथ में आओ ना। चलो एक मैडम का इतना ही क्लोज है, थोड़ा डिस्टेंस, हाँ बीच में आ जाओ। अरे ये लोग मार रहे हैं, यहाँ लाइट अच्छी नहीं है, यहाँ लाइट अच्छी है, लाइट लाइट मूवमेंट मिल जाएगा उधर, पूछो फटाफट शिवम, शिवम पूछ ले भाई, शिवम रुके ना रुके, प्लीज आज के एपिसोड के बारे में थोड़ा बताइए, क्या एक्साइटिंग होने वाला है लोगों के लिए? आज का पहला जो एपिसोड है वो हमारा था म्यूजिकल गेम टाइम, तो उसमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा गाया और हमारे कैप्टन्स के जो हमारे जो बच्चे हैं हमारे कैप्टन्स के साथ हम लोगों ने बच्चों को शॉप सर्व किया था, तो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे और हमने बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट एपिसोड अभी हो जाए जो कि उनका स्पेशल है, सारे कौन आप बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का एपिसोड शूट कर करके और सबसे चैलेंजिंग बात क्या लगी आज? बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा शो में हमारे बच्चों ने, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शो में
बैठ के इतने कमाल के बच्चों को सुना तो बहुत खुशी होती है। चैलेंजिंग पार्ट हमेशा ही रहता है कि हमारी टीम चल रहा है, आज वो दूसरी टीम में है, बच्चे बहुत कमाल कर देते हैं, हमारे साथ चैलेंजिंग वाला क्योंकि वो लोग इतना कमाल गा रहे होते हैं, सभी सभी टीमों के बच्चे बहुत शो में तो बहुत मज़ा। अच्छा, नेहा जी का बर्थडे भी आने वाला है तो क्या कुछ सरप्राइज प्लान किया आप लोगों ने? सबकी स्माइल बता रही है कि ढेर सारा सरप्राइज है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सरप्राइज है क्योंकि नेहा मैम का बर्थडे आ रहा है और ये बर्थडे स्पेशल ही होना चाहिए, थोड़ा वही है स्पेशल, तो इसको हम मन से और तन से सेलिब्रेट करेंगे हम सब मिलकर। नेहा मैम का बर्थडे है तो सबके लिए स्पेशल है, आई नो कि आप सबके लिए स्पेशल होगा, मजा आएगा। क्या गिफ्ट देने वाले हो आप दोनों, आप लोग, आप तीनों? अभी वो सरप्राइज है, बता नहीं सकते, लेकिन ये भी अच्छा ही दिन है। क्या बात है गाइस, एनी क्वेश्चंस? सोलो 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 फोटो सोलो सोलो विजुअल्स बस। अच्छा, मैं आपको सलमान भाई आपका कोई गाना भी आया ना अभी? हाँ, मेरा भी जस्ट एक गाना आया है, इश्क की छाव तले, आज ही गाना आया है, लोग सब प्यार दे रहे हैं उस गाने को, बहुत अच्छा गाना है, फिर से गाया है, तो आई नो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा गाना है, बिल्कुल मेरा जॉनर का गाना है, अपनी थॉट्स में है, आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा भाई। दो लाइन हो गए अपने गाना भूल गया। इश्क के छाव तले उम्र बैठे रहे, नैनों ने दिल कहा जो, मुझे याद नहीं पड़ा लिरिक्स, उम्र बैठे रहे नैनों से नैना मिला के, जो की बात कहे जो कब कब ना हुआ जो गाना बजे कोई भी चले, जो आपको लगता है कि उनको डेडिकेट करना चाहिए, जो उनके ऊपर बेस है। बहुत आरज़ू थी गली की तरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू। इसीलिए मुझे आप बहुत पसंद है। वेल, सुपरस्टार सीजन 3 के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्वेश्चन हो गया, फिर गाना बताओ। बहुत बड़ा सवाल है ये। सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 के बारे में क्या बोल सकती हूँ मैं हिस्सा और शो की बहुत प्राउड लगता है मुझे, ये सोच के बहुत गर्व महसूस होता है कि इस शो का एक पार्ट हूँ मैं, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है, बच्चों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेहरबान
वेरी नाइस थैंक यू वेरी गुड क्या संदेश चलो थैंक यू गाइस अरुणिता जी मैम इसका फोटो दे दो मैम उनका भी बर्थडे उनका साल गिरा है लुक सेंटर इधर सब लोग आके गए आज कैप्टन गेम खेलने वाले हैं आज हमने बहुत सारे गेम खेले और गर्ल्स वर्सेस बॉयज एंड इतने सारे इंग्लिश वाले गेम भी खेले इंग्लिश अच्छी है थोड़ी सी सारे हम बॉयज के लेकिन जीत फिर भी हम ही गए तो बहुत ज़्यादा एक कमाल एपिसोड होने वाला है इतने सारे गेम्स हमने खेले हैं ये म्यूजिकल गेम है सारे अब ये देखेंगे तो सब लोग एंजॉय करेंगे साथ ही नेहा जी का बर्थडे भी है हाँ जी बिल्कुल नेहा मैम का बर्थडे है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज उनका बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे तो पूरी फैमिली आ रही है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बहुत मस्ती होने वाली है बहुत धमाल होने वाला है वेल कुछ दो गाने यू नो धुन गुनगुना दीजिए नेहा जी की बर्थडे पर हमारी क्यूटी नेहू मैम को बहुत सारी बधाइयाँ और आप सबकी ओर से भी बहुत सारी बधाइयाँ थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू भाई मोबाइल लेके यार अरे संदेश भाई क्या कर रुको 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 अरे उसको पकड़ा होने में सारा भाई को हेलो मैं बच्चे का मुंडा बहुत मस्ती करेंगे बहुत मजे करेंगे बच्चे भी अच्छा गाएंगे थैंक यू भाई साहब और अरे वाह फीमेल पे मैंने पहली बार देखी मैं रोज आती हूँ मैं रोज आती हूँ तुम सब थक देते हो मत तुमसे वेरी गुड क्या बात है अरे अर्ज भाई कल रिजल्ट है कौन जीत रहा है सबको पता है कौन जीत रहा है भाई कौन जीत रहा है आप बताओ मैंने वोट दिया वही जीत रहे भाई अरे कल बताता हूँ 4 जून तैयारी है कल फिर 4 जून 400 पार चलो थैंक यू गाइस थैंक यू
टाइम भाई फॉलो पे बेटा आज इनको मना नहीं कर सकते। अरे फोटो ले लो फोटो के बाद और फिर माइक लग जाता है ना, चलो थोड़ा पीछे ऐसा, तो आप ही आ जाओ। अरे नहीं थैंक यू गाना हो गया। अरे यार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। इतना एम्बैरेसिंग फील होता है ना आप लोग। अरे आप कहाँ डालोगे ये और कौन देखेगा? कहीं नहीं डालते, आज देख लेना, फिर टैग आ जाएगा तुमको। बाय, थैंक यू बाय बाय। बस बहुत खुश हूँ और हमेशा दुआएं उसको, उसके लिए तो प्यार है हमेशा, उसकी दुआएं को जितना प्यार दो कम है। शी डिजर्व्स बहुत सारा प्यार, वैसे भी मिलता भी है उसको। बाकी क्या जी, हाँ जी, गाने तो बना रहा हूँ और ऐसे ऐसे रिलीज होंगे। हाँ वो पर्सनल है, वो उसको बता दिया है ना, वो ऐसी है, वो नेहा का यही है कि जो भी सरप्राइज दो, मतलब सरप्राइज दो उसको, कुछ भी बताओ नहीं, वो पहले बता दिया, अरे सारा सरप्राइज खराब कर दिया, छुपा हुआ ही है और वो छुपा रहेगा, 6 तारीख तक तो छुपा रहेगा। थैंक यू यार, तुम लोग थोड़ा पीछे हो आप भाई, भाई थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, थोड़ा दूर हो जाओ, बहुत साइड आ जाओ भाई, ये लाइन में थोड़ा पीछे हो, थोड़ा यहाँ पे, मैम यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ हम लोग ऐसे घूम जाओ, सब लोग ऐसे बस यही रुको, बस 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 थैंक यू पैप्स केशव, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थोड़ा थोड़ा सा पीछे है गाइस, आराम से चलना पीछे देखना, अरे तू कैमरा घूम करना।
थैंक यू गाइस, लाइट इधर रखी है, यहाँ से आते रहिए ना, सीधे हाँ आते रहिए आते रहिए आते रहिए, थोड़ा पीछे इधर आ जाओ, रास्ते दूर नाजर भाई थैंक यू गाइस, थैंक यू पहने पीछे पहने आराम से थैंक यू ये हो जाएगा।